हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रोशनी शाह एंड टुडे लेट्स गेट रेडी विथ मी फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट विथ माय मेकअप। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि हाउ आई हाइड माय दिस पॉक्स मार्क, सो आज मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं हमेशा से सबसे पहले ना स्किन केयर करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मेकअप से पहले, क्योंकि मेरा मेकअप है ना 12 आवर्स तक अच्छे से रहता है, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में काफ़ी देर तक रुकना पड़ता है, कई बार नहीं लाइक हमेशा ही लास्ट राउंड तक जाती हूँ। तो मैं सुबह ऑलरेडी 5 बजे मेकअप करती हूँ तो मैं और यहाँ पर लास्ट राउंड तक पहुँचते पहुँचते 4-5 बज जाते हैं, तो स्किन केयर करना इज़ मस्ट। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने टोनर लगाया, देन सीरम, उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। और मेरा जो टोनर और सीरम और मॉइस्चराइज़र था वो डर्माको का था। देन आई अप्लाइड प्राइमर ऑफ मेबलिन का, फिटमी का, विच इज़ वेरी नाइस आई वुड से। देन आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि हाउ आई हाइड माई पॉक्स कार। तो आप देख सकते हो इनसाइड का कंसीलर पैलेट है जिसमें मेरे कलर टोन के काफ़ी कंसीलर हैं, तो मैं अपने अंडर आई को हाइड करती हूँ सबसे पहले उससे, और जहाँ जहाँ पे मुझे स्पॉट है मैं वहाँ वहाँ हर जगह उस स्पॉट को हाइड करती हूँ। और आप देख सकते हो मेरा जो पॉक्स कार है उसमें अप्लाई करने के बाद वो गायब ही हो गया। लाइक देखो वो ना एक होल छोड़ के जाता है, तो आप वो होल को भर नहीं सकते, बट यस उसका कलर चेंज कर सकते हैं, तो उससे जो हमारा स्किन का टोन है ना वो दिखेगा, जो वो खड्डा है ना वो नहीं दिखेगा। पॉक्स कार की एक प्रॉब्लम यही है, हम उसे कभी भी हाइड नहीं कर सकते। तो जिन्होंने मुझे पूछा था मैं उन्हें बता दूं, हम पॉक्स कार हाइड नहीं कर सकते बट उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब मेरी जो स्किन में मेरा जो पॉक्स कार है उसका कलर जो है वो अलग ही है, तो वो कंसीलर मेरे लगाने के बाद मेरा पॉक्स कार एकदम से गायब ही हो जाता है, बट यस वो जो खड्डा रहता है वो थोड़ा बहुत हाईलाइट होता ही है। देन उसके बाद मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया जो कि सेम मेबलिन फिटमी का ही है, और हमेशा मैं ये हैक यूज़ करती हूँ फाउंडेशन के साथ मॉइस्चराइज़र और प्राइमर मिक्स करके लगाती हूँ, क्योंकि ये ना मेरे स्किन में मेकअप को ना ब्रेकआउट नहीं होने देता, लाइक केकी नहीं होता है अंडर आई लिप के एरिया में, तो वो बहुत अच्छे से ब्लेंड भी होता है। उसके बाद मैं हमेशा फाउंडेशन लगाने के बाद फिक्सर लगा के ही मेकअप ब्लेंड करती हूँ। आप देख सकते हो वो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है फिक्सर लगाने के बाद। वो सेट होने के बाद मैं 2 कंसीलर यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो मेबलिन फिटमी का ही कंसीलर अपने अंडर आई नोज़ एरिया में और अपने फोरहेड में और अंडर लिप में लगाने के लिए, वो अच्छे से कंसील भी होता है और काफ़ी अच्छा कंसीलर है। आई लव दिस कंसीलर। ये इस कंसीलर के बाद आई यूज्ड 1 मोर कंसीलर टू हाइड माई पॉक्स कार्ड। ये इस कंसीलर इतना अच्छा है कि लिटरली आफ्टर अप्लाइंग दैट कलर करेक्टर वाला कंसीलर देन फाउंडेशन या लॉरियल का कंसीलर टोटली हाइड माई पॉक्स कार। सो जिन्होंने मुझे पूछा था मैं उनको बता दूं कि मैं इस कंसीलर से अपना पॉक्स कार हाइड करती हूँ, और ये मेरे शेड का है। तो आप में से कोई है जिसका फेयर स्किन टोन है तो आप अपने शेड का ले सकते हो, ये बहुत अच्छा कवरेज देता है ये कंसीलर। आई जस्ट लव विथ दिस कंसीलर। ये भी और ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी होता है, आप देख सकते हो। देन आई यूज्ड कॉम्पैक्ट। मैं ज़्यादा बेस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करती, बिकॉज ये मेकअप लाइक हम इंटरव्यू अभी भी दे ही रहे हैं ना, तो हम क्यों ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीद के अपने पैसे वेस्ट करें। अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है ना इतने प्रोडक्ट यूज़ करके फिर वेस्ट होता है हर रिजेक्शन के बाद। तो मैं सबको यही सजेशन दूंगी कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मत खरीदो। आई वुड सजेस्ट यू कि आप कम ही, जैसे कि एक प्रोडक्ट है एक कंपनी का लाइक मेबलिन फिटमी का, आप वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो आप वो ले सकते हो। क्योंकि एज अ बिगनर ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है बिगनर्स के लिए, आप इसे आसानी से यूज़ भी कर सकते हो। देन ब्लशर, यस
ब्लशर लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपने इंटरव्यू में देखा है, लास्ट राउंड में जब मैं जा रही थी, एक लड़की ने ब्लशर नहीं लगाया था, जस्ट शी डिड हर बेस वाला मेकअप और बहुत लाइट मेकअप था, तो मैम ने उसे डांटा भी था कि व्हाई डिडंट शी अप्लाइड ब्लशर, ब्लशर फेस में दिखना ही चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप अच्छे से ब्लशर भी लगा के जाना, क्योंकि ये भी तो एक मेकअप का पार्ट है और कैबिन क्रू का भी। फुल मेकअप करना एक हमारा पार्ट है एज अ कैबिन क्रू मेंबर, तो उसके आप अच्छे से ब्लशर भी लगा करके जाना। देन आई अप्लाइड लाइनर एंड वाइट काजल। वाई वाइट काजल? वाइट काजल भी अलाउ है, तो आप ये मत सोचना कि वाइट काजल अलाउ नहीं है। मेरे में ब्लैक सूट नहीं करता, दैट्स वाई आई ऑलवेज अप्लाई वाइट काजल। वो काफ़ी अच्छा दिखता है और वो मेरी आंखों को हाईलाइट करता है। देन आई अप्लाइड लिपस्टिक। सो मैं आपको बता दूँ, अगर आप वाइट कलर का शर्ट पहन रहे हो, कोई भी वाइट कलर का, तो आप रेड लिपस्टिक ही लगाना, डार्क लिपस्टिक हो सके तो, क्योंकि लिपस्टिक ही है जो हमें पूरी तरह से हाईलाइट करता है एकदम। और आप आईलाइनर नहीं लगा रहे हो, सिर्फ मस्कारा लगा रहे हो, बट लिपस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप वाइट पहन रहे हो, जैसा कि मैंने कहा, आप रेड कलर का ही लिपस्टिक लगाना। सो यहाँ पे मैं अपने कुछ एरिया को हाईलाइट करते हुए, मैं ज़्यादा आई शेडो वाला आई मेकअप नहीं करती, इसलिए मैं हाईलाइटर से अपने आँखों को हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं अपने आई के इनर कॉर्नर में हाईलाइटर लगाती हूँ, देन आउटर कॉर्नर में, देन थोड़ा सा आईब्रोज़ के यहाँ पे टू हाईलाइट माई आईब्रोज़ एज वेल। सो इस तरह से कुछ पार्ट को हाईलाइट करते हुए, क्योंकि आँख भी ज़रूरी है, राइट? एचआर को हमारी मेकअप भी पसंद आनी चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे पूरे ग्रूमिंग का पार्ट है। तो एचआर को हमारा मेकअप पसंद आएगा तभी वो हमसे इम्प्रेस होगी। देन आई मेड माय बन। मेरे बाल काफ़ी छोटे हैं, और मैं आपको एक और सजेशन दूंगी कि इंटरव्यू पे जाने से एक दिन पहले या दो दिन पहले अपना हेयर वॉश ना करें, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने जस्ट हेयर वॉश करके ही अपना बन बनाया था, तो मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं। इवन दो इंटरव्यू में भी ऐसा काफ़ी बार हुआ है, काफ़ी लड़कियों के बाल ऐसे बेबी हेयर्स जो वो उड़ते, तो मैं आपको सजेशन दूंगी इंटरव्यू में जाने से पहले अपने हेयर वॉश ना करें, और अगर करते हो तो जस्ट अप्लाई अ प्रॉपर जेल, और आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो अपने बाल। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मेरे नए इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू।